दोस्तों, क्या आपने कभी मैनर खाया है? मैनर खाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये औषधि गुणों का भंडार है, जड़ी बूटी का काम करता है हमारे शरीर के लिए, पेट की सारी समस्याएं दूर करता है। तो आप मैनर को जरूर खाएं, बारिश के सीज़न में ही मिलता है। तो इसका हम ऊपर वाला, नीचे का जो डंठल वाला पोर्शन है उसको हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में आगे बने रहें, बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगा आपके लिए। तो इसको हम कट कर लेते हैं और इसके अंदर का जो बीज वाला पोर्शन है, सारे बीज हम हटा देंगे। यदि आप इसको काट कर रखते हैं तो 5 से 6 मिनट में ही ये काट कर रखने पर काला पड़ जाता है। तो काला होने का टेंशन मत लें, लेकिन फ़ायदा तो बहुत करता है। यदि 3 से 4 दिन का मैनर हो जाएगा तो इसमें अंदर से जाली पड़ जाती है, जैसे आम में जाली पड़ जाती है तो अंदर से जाली आ जाती है। तो जिसमें जाली आ गई है उसकी सब्जी ना बनाएं, क्योंकि जालीदार मैनर हो जाता है, उसकी सब्जी बनाते हैं तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसमें हम एक आलू और प्याज डालेंगे। तो आलू और प्याज को भी कट कर लिया है। यदि आप आलू नहीं डालना चाहते तो विदाउट आलू का भी बना सकते हैं। इसको हमने अच्छे से धुल लिया है और इसकी हम सब्जी बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। इसमें थोड़ा सा जीरा राई डाल दिया, चटक जाने दिया। उसमें हमने हरी मिर्च डाल दिया और इसमें एक प्याज, मीडियम साइज़ प्याज कट के ऐड कर देते हैं। प्याज को भी लंबा लंबा कट किया है, चाहे तो आप इसको पतली पतली स्लाइस में कट कर सकते हैं, छोटे छोटे पीस में। ये देख सकते हैं, इसके हमने सभी के बीज निकाल दिए हैं। मैनर मैनर खाने में तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। पेट की सारी समस्याएं, जैसे कि यदि आपको पीलिया की समस्या है, वो भी दूर करता है जड़ से। तो आप इसे ज़रूर खाएं। हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो इसमें हमने आलू और मैनर को डाल दिया है। इसको हम पक जाने देते हैं। आप इसको ढककर भी पका सकते हैं। यदि ये पक नहीं पा रहा तो इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो जल्दी पक जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस मैनर की सब्जी को ज़रूर बनाएं। ये बारिश के ही सीज़न में मिलता है मैनर। इसमें हमने हल्दी पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना बताई हूँ। टमाटर को भी कट कर लिया है और इसको भी हम बीच में डाल देते हैं। और टमाटर के साथ हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे ताकि जल्दी से हमारे टमाटर पक जाएं। खाने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा मैनर, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये हमारे टमाटर भी पक कर रेडी हो गए हैं। तो इसमें हम आधा गिलास करीब पानी डाल देंगे। पानी डालने से थोड़ी हल्की ग्रेवी वाली बन जाएगी और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हमने इसको ढककर पकाया था। तो फ्रेंड्स, ये आप इसे ज़रूर एंजॉय करें। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी है, शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है।